को मछली बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उनकी खोलो प्लीज, उनकी को आप तैयारी करें इसकी। क्यों देख रहा मुझे? देख भी नहीं सकता। लाइए। Are you sure? मछली नहीं खा सकते बेटा, बीमार हो जाते हो। सब कौन है? इस तरह मेरी आंखों में नहीं देखा जाता। सुना है खाना आज आपने बनाया है? आपकी शान में बनाया है। भैया मीरब से कहते एक दिन मुर्तसिम और ये सब कुछ मेरा होगा। मीरब भैया से कहती है कि तुम तैयारी शुरू कर लो, ये बहुत जल्द होने वाला है। मुर्तसिम मीरब को पसंद करने लगा है लेकिन मीरब के दिल में उसके लिए अब भी कोई जगह नहीं। और मीरब को पता चलता है कि मुर्तसिम की तबीयत मछली खाने से खराब हो जाती है और जान बूझ कर मुर्तसिम के लिए खाना बनाती है। सलमा बेगम मुझसे कहती है कि मछली खाने से तुम्हारी तबीयत खराब हो सकती है लेकिन मुर्तसिम मीरब की खातिर वो खाना खाने को तैयार हो जाता है। और फिर वो वक्त आता है जब मीरब की आंखों में आंसू होते हैं मुर्तसिम के लिए। अचानक मुर्तसिम की तबीयत खराब हो जाती है और मीरब परेशान हो जाती है। क्या मीरब को एहसास होगा कि मुर्तसिम ने सिर्फ उसकी खातिर वो खाना खाया जिससे उसकी तबीयत खराब हो सकती है? सब जाने